वेलकम स्टूडेंट, आज हम संस्कृत व्याकरण में क्रिया बोध के बारे में बात करेंगे। मतलब हम जब वाक्य बना रहे हैं तो उसमें हम क्रिया किसके अकॉर्डिंग है, किसके अनुसार लगाएंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक क्रिया भी आनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिखवा रही हूँ पठधातु। पठधातु मीन्स पढ़ना। ऐसे बहुत से संस्कृत धातु है जो आप सेम इसी तरीके से बना सकते हो। तो देखिए, हमने पुल्लिंग के बारे में, मतलब पुरुष के बारे में बात की थी, और ये वचन, ठीक है। डायरेक्ट देखो, प्रथम पुरुष में क्या लिखते हैं, पढ़ती, पठ, पठंती। मध्यम में पढ़सी, पठत, पठत। उत्तम, पठामी, पठाओ, पठाम। तो ये क्या है, क्रिया को लिखने का तरीका कि अगर हम वाक्य एक वचन का है तो हम लिखेंगे पढ़ती, द्विवचन का है तो पठ, बहुवचन का है तो पठंती। अब हम इसको किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, मतलब कर्ता कैसा होना चाहिए। तो ये देखिए, ये इसकी कर्ता। तो देखिए, अगर प्रथम पुरुष की क्रिया है पढ़ती है या पढ़ता है या पठंती, तो हम क्या लिखाएंगे, सह, तउ, ते। सह एक वचन के लिए, तउ द्विवचन के लिए, और बहुवचन के लिए ते। सह एक पुल्लिंग शब्द है और सा एक स्त्रीलिंग कर्ता है। तो ये तो हमने पढ़ चुके हैं, तो ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग में यूज आता है। तो देखिए, जैसे हम वाक्य बनाते हैं, सिंपल सा है, सह पढ़ती, ठीक है। और एक बना रहे हैं सा पढ़ती, सेम होगा, बट आपको अंतर पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है पुल्लिंग और ये कौन सा वाक्य है स्त्रीलिंग। और ये एक वचन का करता है, तो इनके साथ क्रिया भी कौन सी आएगी, एक वचन की। अगर हम लेते हैं बहुवचन, तो क्या लिखते हैं, तौ पढ़तः, और अगर स्त्रीलिंग है तो ते पढ़तः। अगर वाक्य किसका है बहुवचन का, तो हम लिखते हैं ते पठंती और ता पठंती। तो समझ में आ गया कर्ता और क्रिया का कैसे लगाया जाता है। देखिए, इन दोनों का मतलब है कि वह पढ़ता है, ठीक है। और इसका भी क्या मतलब है, वह पढ़ती है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपको प्रथम पुरुष में अगर क्रिया इन तीनों में से दी हुई है, तो आपको जो कर्ता है वो इस अकॉर्डिंग लगाना है। ये तो प्रथम पुरुष के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, और ज्यादातर बच्चों को ये आता भी, और हमारा जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है जो इसी के अकॉर्डिंग था। अब देखिए, मध्यम पुरुष, ये एक अलग से गलती आपके लिए। मध्यम पुरुष में क्या होता है, देखिए क्रिया होती है पढ़सी, पठतः, पठत। क्या होती है, पढ़सी, पठतः, पठत। मतलब इसका जो कर्ता होगा वो क्या होगा, त्वं, युवं, यूयं। अगर एक वचन का क्रिया है पढ़सी, तो हम क्या लिखेंगे, त्वं पढ़सी। क्या लिखेंगे, त्वं पढ़सी। वैसे ही युवा पठतः और यूयं पठत, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों, द्विवचन है तो दोनों, तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयं तुम सब पढ़ते हो। उसको आप ऐसे लिखोगे, तुम पढ़ते हो। अगर इसकी जगह आता है, मैं बोलती यूयं पठत, तो आप क्या बोलोगे, हम तुम सब पढ़ते हो। तो आपको समझ में आ गया, अगर मध्यम पुरुष की क्रिया आती है तो हमें किस अकॉर्डिंग आपको कर्ता लिखना है, तो आपको कर्ता में लिखना है तुम, युवा, यूयं, जिसमें तुम्हारे के बारे में बात होती है, तब इसका यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखिए क्रिया है पठामी, पठावः, पठामः। पठामी, तो इसके साथ कर्ता कौन सा आएगा, अहम, अहम पठामी। तो ये उत्तम पुरुष, मतलब ये स्वयं के लिए होता है, मतलब अपने लिए होता है। तो अपन मैं क्या बोलूंगी, अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ। तो अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ, ये बॉयज और गर्ल दोनों के लिए सेम होगा, अहम मैं, इसे कोई किसी चीज का नहीं पता चल रहा है। देखिए, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवा पठावः, द्विवचन दो, इधर क्या हो जाएगा, हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम है हम सब पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया आपको, जो ये पठामी, पठाओ, पठाम, तो इसमें कौन सी क्रिया यूज, सॉरी कर्ता यूज आता है, अहम, आवा, वय। तो हमने क्रिया और कर्ता कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में।
करना पड़ा। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हम पट कर पा रहे थे, आपको सिर्फ पट धातु ही याद रखनी, नहीं, संस्कृत में धातु बहुत सी होती है और क्रिया भी बहुत सी होती है। जैसे यहाँ मैंने अभी पट का बताया है, वैसे ही आपके बुक में बहुत से क्रियाएं हैं, जैसे भाव धातु, भू धातु मतलब भवती, भक्त, भवंती, ज्यादा तो बच्चों को आता भी है। दूसरा जैसे क्री धातु, इसका मतलब होता है होना, क्री मीन्स करना। तो आपको अपनी नोटबुक में पहले तो ये बात कंप्लीट करना है, पढ़ती और ये, फिर आपको इससे वाक्य का निर्माण करना है, सहपट्टी बहुपट्टा है, वैसे तौ का बनाना है, ते का बनाना है, फिर त्वम से बनाना है, युवाम से बनाना है, युयम से बनाना है, फिर अहम, आवाम, वयम। उसके बाद आपको ये भू और क्री धातु से आपको ये प्रथम माध्यम उत्तम पुरुष में कैसे वाक्य बनाए जाते हैं वो भी लिखना है आपको। ये एकवचन और द्विवचन बहुवचन है, इनको बांटना भी है। तो कल हम इसी के आगे पढ़ेंगे, आज के लिए।